हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस। आज हम लोग सिमिलैरिटी सीट डिस्कशन सेकंड की बात करने वाले हैं, और मैंने डिस्क्रिप्शन में कल की क्लास के सेंटर ऑफ ट्राइंगल्स की सीट डाली हुई थी, तो प्लीज़ जाके उसको देखिए और सीट सॉल्व कीजिए। इस सिमिलैरिटी की सीट डिस्कशन के बाद फिर हम सेंटर ऑफ ट्राइंगल्स को भी डिस्कस करेंगे और फिर आगे बढ़ते हुए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, और क्लास थोड़ा सा जल्दी लेते हुए चलेंगे क्योंकि हम लोग 2-3 दिन से एक ही टॉपिक कर रहे हैं, तो हो सकता है अब आप अच्छी तरह उसको समझ चुके हो, तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी लेके चलूँगा, तो प्लीज़ देखते हुए चलिए। चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, किसी त्रिभुज ABC में, किसी ट्राइंगल ABC में BC के पैरेलल है DE। फिर आपसे कह रहा है ए डी ई और डी ई सी बी का क्षेत्रफल का अनुपात है 9:16। तो अब आप समझो कि ए डी ई अगर 9 यूनिट है तो ये 3 को दिखाएगी, और पूरा ए बी सी 16 और 9 25 यूनिट है तो ये 5 को दिखा रही होगी। तो आपको बताना है कि ए डी अपॉन डी बी का अनुपात कितना होगा। तो 9 यूनिट का वैल्यू निकल के आ रहा होगा 3, और ये पूरा 25 यूनिट दिखा रहा होगा 5, तो बचेगा कितना ये। तो देन हम कह सकते हैं ए डी अपॉन डी बी का रेशियो हो जाएगा 3:2। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्राइंगल ए बी सी में बी सी के समांतर है डी ई। आपसे कह रहा है डी ई सी बी का क्षेत्रफल है 238। ओके, ए डी और ए बी की लंबाई है 5 और 12। ठीक है, तो ए बी सी का क्षेत्रफल कितना, देखो ये 5 यूनिट है, ये पूरा 12 यूनिट है। 5 के हिसाब से वैल्यू 25, 12 के हिसाब से वैल्यू 144। तो अगर पूरा है 144, तो 144 में से अगर 25 चला जाएगा तो हमारे सामने हो जाएगा ये 119। 119 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 238 को, तो 1 यूनिट का वैल्यू 2, तो 144 यूनिट का वैल्यू कितना। तो आंसर हो जाएगा 288, यानी कि पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 288। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे त्रिभुज एबीसी बीसी के पैरेलल दे रखा है डी, जो कि त्रिभुज को 2 समान क्षेत्रफलों में विभाजित करती है, तो ए और डीबी का मान बता दो। देखो ये क्वेश्चन तो हम अपने क्लास में भी कर चुके हैं, क्लास होते टाइम मैंने बताया था इस तरह का क्वेश्चन। अगर दोनों 1:1 में हैं तो आपको समझना होगा कि ए डी ई जो छोटा ट्राइंगल है उसका तो साइड होगा एक ही, लेकिन जो बड़ा ट्राइंगल है ए बी सी उसका क्षेत्रफल है 2, तो उसका जो साइड होगा वो होगा √2। क्लियर है? अब आप कह सकते हो ये साइड 1 है और ये पूरा साइड है √2, तो ये छोटा साइड डी बी कितना होगा। तो आंसर होगा √2 - 1। ये जो छोटा साइड है ये होगा √2 - 1। फिर आप इसको लिख सकते हो ए डी अपॉन डी बी का वैल्यू है 1/√2 - 1। और ये क्वेश्चन मैं क्लास के अंदर थ्योरी बेसिस पे भी बता चुका हूँ क्योंकि कई बार ये पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपसे कह रहे हैं किसी ट्राइंगल ए बी सी में ए बी और ए सी के मध्य बिंदु डी और ई हैं, मिड पॉइंट है, यानी कि 1:1 में डिवाइड कर रहे हैं, तो ये एरिया हो जाएगा 1 और ये पूरा बड़ा एरिया हो जाएगा 4, तो नीचे वाला एरिया बचेगा 3। और यही आपसे पूछा गया है ए डी ई और डी ई सी बी का एरिया का रेशियो, तो 1:3 ये आपका फाइनल आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहे हैं किसी त्रिभुज ए बी सी में बी सी के समांतर पी क्यू खींचा गया है। ए बी सी में बी सी के समांतर पी क्यू खींचा गया है, ये है पी क्यू। ए बी का वैल्यू दे रखा है 9 और ए पी दे रखा है 4, तो ए पी जो दे रखा है 4, इसके हिसाब से एरिया हो जाएगा 16, और जो 9 है इसके हिसाब से एरिया हो जाएगा 81, 4 के हिसाब से एरिया हो जाएगा 16। तो आप कह सकते हो ये 16 है और ये पूरा 81 है, तो नीचे वाला पार्ट कितना हो जाएगा, तो हमारा आंसर होगा 65।
फिर आपसे कह रहा है दोनों का अनुपात बता दो, तो ये है छायांकित भाग हमारा, शेडेड रीजन। आप कह सकते हो आंसर हो जाएगा 65:16, और ये है करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, तो इसको ठीक से देखते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे हम। आपसे कह रहा है ट्राइंगल एबीसी बी सी पर दो बिंदु डी और ई रखे हुए हैं, यहां पे डी है और ये रखा हुआ है ई, इस प्रकार रखे हुए हैं कि बीसी को सम त्रिभाजित करते हैं, मतलब 1:1:1 में काटते हैं। फिर कह रहा है एक बिंदु है एम और एक बिंदु है एन ए बी और ए सी पर, और ये पैरेलल है, मतलब एम ई पैरेलल है ए सी के और डी एन पैरेलल है ए बी के। ठीक है, समझिए, इसको दो अलग अलग पार्ट में तोड़ते हैं और मैं दूसरे पेज पे इसको ठीक से बनाता हूँ। देखिए, पूरा ट्राइंगल है हमारे पास एक एबीसी जिसने डी और ई 1:1:1 में तोड़ रखे हैं। ये है एम और ये दे रखा है एन। अब इसी ट्राइंगल को मैं दो अलग अलग ट्राइंगल्स में तोड़ के बना रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। एबीसी एबीसी, एक ये ट्राइंगल है एम ई लाइन के साथ और दूसरा ट्राइंगल है डी एन लाइन के साथ। अब जैसा कि हम जानते हैं कि बेस लाइन को इसने 2:1 में तोड़ा हुआ है और इसने भी 2:1 में तोड़ा हुआ है, जिसकी वजह से इनके एरिया का रेशियो हो जाएगा 4:5, क्योंकि पूरा लाइन तो 3 यूनिट है ना, तो बड़ा ट्राइंगल हो जाएगा 9 यूनिट का, और 9 यूनिट में से 4 यूनिट निकाल दोगे तो बचेगा 5। तो आप सेम यहाँ पे भी कहोगे कि ये जो हो जाएगा 4:5। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, हमें पता है यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पर एक पॉइंट है जिसने डी और ई को मान के चलते हैं, जिसने इस पूरी लाइन को भी 1:1 में तोड़ा हुआ है। अब हम सिर्फ बात कर रहे हैं इस छोटे ट्राइंगल के बारे में जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैं इसको अलग कलर से कर रहा हूँ। देखिए, हम सिर्फ इन दो छोटे छोटे ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं। इसको दिखाने के लिए आप ऐसे कह सकते हो कि अगर ये पूरा 4 यूनिट है तो ये 1:3 में टूटा होगा, सेम एज ये पूरा 4 यूनिट है तो ये 1:3 में टूटा होगा। और जब आप ये पोर्शन उठा के आप यहाँ रखोगे तो आपको आंसर्स दिख रहे होंगे, जैसे कि ये लाइन बनाया मैंने, ये 1:3 में टूटेगा तो ये 1 होगा और ये 2 होगा, सेम ये 1:3 में टूटेगा तो ये 1 होगा, ये 2 होगा और ये पार्ट होगा 2। अब आपने पूरे ट्राइंगल्स के छोटे छोटे पार्ट को देख लिया है, देन अब आप बोल सकते हो, आपसे पूछा गया है डी ओ ई का क्षेत्रफल, तो इसको लिखता हूँ मैं डी ओ ई प्लस ए एम एन ओ डिवाइड बाय ए बी सी, ये बताना है हमें आंसर में। तो डी ओ ई का क्षेत्रफल कितना है, ये पॉइंट है ओ 1 प्लस ए एम एन ओ का है 2 और पूरे बड़े ट्राइंगल का है 9, तो आंसर हो जाएगा 1/3 और ये आपका फाइनल आंसर होगा। यहाँ पे सेम क्वेश्चन नेक्स्ट दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 32, जिसमें सिर्फ रेशियो चेंज है और बाकी सारा कुछ सेम है, और मैं चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करो, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, तो मैं नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को लेके फिर से करूँगा। पूरा सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल भी चेंज नहीं है, बस वहाँ पे 1:1:1 था, यहाँ पे 2:3 और 6:5 दे रखा है। रेशियो को ठीक से तोड़िएगा और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद हम। कह रहे हैं ट्राइंगल ए बी सी बीसी पीक्यू पैरेलल है, बीसी और पीक्यू अगर पैरेलल है, और आपसे कह रखा है जहां पीक्यू एबी और एसी पर स्थित है, ठीक है, और फिर दिया गया है एबी अपॉन एपी इक्वल टू 3/1, ठीक है, मतलब एबी का वैल्यू है 3 और एपी का वैल्यू है 1, तो ये बचा हुआ पार्ट कितना हो जाएगा 2। फिर पूछ रहा है
क्यू सी बी का क्षेत्रफल और ए बी सी का क्षेत्रफल का कितना भाग है। तो आप देखो टोटल हो जाएगा 9 यूनिट और ऊपर है 1 का स्क्वायर 1, तो नीचे कितना बचेगा 8। आपसे पूछ रहा है 8/9 × 100 सॉल्व करोगे तो 88.8% आपको आंसर दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रायंगल एबीसी में एडी, अच्छा ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको ठीक से बनाते हैं। देखो ट्रायंगल एबीसी में एडी कोण बी के समद्विभाजक पर 90 डिग्री गिरा रहा है, मतलब मान लो यहाँ कहीं मिल रहा है और ये 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। अब ये मिलके इससे आगे निकल गया और मैं मान लेता हूँ यहाँ पॉइंट एम पर कहीं पे काट रहा है जाके। फिर आपसे कह रहा है इस पॉइंट से एक लाइन खींचा गया जो कि बी सी के पैरेलल है और ये ई पर काट रहा है, ये है डी और ये है ई। अब इस पूरे ट्रायंगल को हम दो पार्ट में चेंज कर रहे हैं, प्लीज थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए पहला पार्ट मैंने लिया है यहाँ पे ए बी एम का, ए बी और एम, ट्रायंगल को इक्वल यहाँ पे बांटा गया है और ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो मैं कहूँगा ये साइड 1:1 में बराबर होगी, ये ऊपर वाला भी 1 यूनिट होगा और नीचे वाला भी 1 यूनिट होगा, क्योंकि ऊपर दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलैरिटी को प्रूफ कर रहे हैं, क्योंकि 90-90 है ये एंगल, एंगल ए बराबर होगा एंगल एम के, ये दोनों ऑलरेडी बराबर दे रखे हैं, तो 90-90 हो गया। फिर दूसरा ट्रायंगल हम यहाँ पे लेंगे और दूसरा ट्रायंगल आपको देखने को मिलेगा ए एम सी जो कि डी ई कुछ इस तरह जा रहा हो। अब आप कहोगे कि ये दोनों ये पैरेलल है तो ये दोनों भी आपस में फिर से सिमिलर हो जाएंगे और हम जानते हैं कि ए एम और डी एम आपस में दिखा रहा है 1:1, इसका मतलब ये साइड 1 होगी और ये भी साइड होगी 1। और आपसे बोला गया है कि ए सी की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो पूछा गया है ए ई की लंबाई कितनी होगी, तो अगर 2 यूनिट दिखा रहा है 12 को तो 1 यूनिट किसको दिखाएगा 6 को, हम कह सकते हैं ए ई की लंबाई होगी 6 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिए इस फिगर को दो पार्ट में तोड़ा गया है, दो सिमिलैरिटी लगाई गई है। पहली सिमिलैरिटी लगाई गई है ए बी एम में जहाँ पे 1:1 निकल के आया है और फिर उस 1:1 की हेल्प से हमने दूसरी सिमिलैरिटी लगा के अपना आंसर देख लिया है, ठीक है। तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में डी तथा ई ए बी और ए सी का मध्य बिंदु है, डी और ई ए बी और ए सी का मध्य बिंदु है, एम व एन ए डी और ए ई के मध्य बिंदु हैं, एम और एन, एम और एन ए डी और ए ई के मध्य बिंदु हैं। ध्यान से देखिए अगर ये पूरा है 4 यूनिट तो ये है 1 यूनिट और ये भी है 1 यूनिट क्योंकि इसने आधा आधा काट रखा है अंदर। अब पूछा क्या जा रहा है ए एम एन, ए एम एन होगा 1 यूनिट, फिर पूछा जा रहा है ए डी ई, ए डी 2 यूनिट का मतलब 4 तो ये हो जाएगा 3। सबसे पहले पूछा जा रहा है ए एम एन तो ये होगा 1 यूनिट, उसके बाद पूछा जा रहा है ए डी ई तो ये हो जाएगा 2 यूनिट का मतलब 4, फिर पूछा जा रहा है ए बी सी यानी कि सबसे बड़ा ट्रायंगल तो 4 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 16 और इनके बीच का रेशियो आप देख लो तो आंसर होगा 1:4:16, क्लियर। अब इसी तरह के क्वेश्चन होंगे जब वो इक्वल साइड में तोड़ रहा होगा पूरे ट्रायंगल को और आपसे बोल रहा होगा रेशियो बताओ साइड का या फिर एरिया का। देखते हैं चलते हैं अगला क्वेश्चन। ट्रायंगल ए बी सी, ए बी और ए सी के मध्य बिंदु हैं डी और ई, मिड पॉइंट बराबर तोड़ दिया है, ए डी व ए ई मध्य बिंदु एम एन है,
फिर से मिड पॉइंट एम और एम बिल्कुल सेम वही पिछला क्वेश्चन, और आपसे कह रहा है तब ए एम एन, अब समझो ये पूरा बड़ा साइड है 4, ये छोटा साइड है 2, ये है 1 और ये है 1, तो पूरा बड़ा साइड का क्षेत्रफल जो होगा वो होगा 16, छोटे वाले साइड का क्षेत्रफल होगा 4 और सबसे छोटे का क्षेत्रफल होगा 1। ये हमसे पिछली बार पूछा गया था 1 4 16, लेकिन इस बार नहीं पूछा यार, इस बार कुछ अलग पूछा जा रहा है। ये अगर 1 है तो ये हो जाएगा 3, तभी तो 4 बनेगा पूरा, और 16 में से अगर 4 जाएगा तो बचेगा कितना, ये 12। तो इस बार पूछा गया है कि ए एम एन यानी कि इसका क्षेत्रफल, फिर ये चतुर्भुज बीच वाला इसका क्षेत्रफल, और सबसे बड़ा चतुर्भुज इसका क्षेत्रफल। तो आंसर है 1:3:12। अगर तीन ट्राइंगल का अलग अलग रेशियो पूछेगा एरिया का तो 1:4:16 होगा, और एक त्रिभुज और दो चतुर्भुज का अनुपात पूछा है तो 1:3:12 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, फिर से सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज किया गया आई थिंक। आपसे कह रहा है ट्राइंगल ए बी सी में ए बी और ए सी का मध्य बिंदु है डी और ई, और बी डी और डी सी के मध्य बिंदु है, इस बार बी डी और ई सी के मध्य बिंदु हैं एम और एन। देखो हर बार ऊपर दो भागों में बांटता था, इस बार नीचे उसने दो भागों में बांटा है। फिर आपसे पूछ रहा है एरिया ऑफ ए डी ई, तो सबसे बड़ा ट्रायंगल होगा 2 का, ये पूरा होगा 4, ये दोनों होंगे 1 और 1 में, तो 2 यूनिट का वैल्यू 4। ए एम एन यानी कि 3 यूनिट का वैल्यू 9, और ए बी सी सबसे बड़ा 4 यूनिट का वैल्यू 16। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे सबसे पहले होगा 4, फिर होगा 9 और फिर होगा 16। 4, 9 और 16 के अनुपात में आप इन तीनों ट्राइंगल्स को आपस में बांट दोगे। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे, आपसे कह रहा है ट्राइंगल ए बी सी में ए बी तथा ए सी के मध्य बिंदु डी और ई हैं, ए बी और ए सी के मध्य बिंदु डी और ई हैं, बी डी और ए सी के मध्य बिंदु एम और एन हैं, फिर से सेम, तब ए डी ई का वैल्यू 4, ये पूरा होगा 9, 9 में से 4 जाएगा तो बचेगा 5, और ये पूरा होगा 16, 16 में से 9 जाएगा तो बच रहा होगा 7, और आपका आंसर होगा 4:5:7। ये पूछा जा रहा है कि इस बार एक चतुर्भुज और दो चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन में, चलो देखते हैं। ट्राइंगल ए बी सी, ए बी और ए सी पर डी और ई मध्य बिंदु हैं, ए बी और ए सी पर डी और ई मध्य बिंदु हैं, ठीक है, मिड पॉइंट हो गए, मिड पॉइंट मतलब बराबर बराबर। फिर कह रहा है बी डी और ई सी पर एम और एन है, बी डी पर एम है कहीं और ई सी पर है एन, और फिर बोला गया है ए डी अपॉन डी एम 2:3, ए डी है और डी एम 2:3, और दूसरा बोला गया है डी एम अपॉन एम बी 4:5, डी एम अपॉन एम बी 4:5। तो अब हमें इनको मिला के ना एक पूरा कॉमन रेशियो तैयार करना पड़ेगा, डी एम दोनों में बराबर है, दोनों में है, तो इसको बराबर करने के लिए रेशियो वाला मेथड आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो, ए बी और बी सी वाला, ए बी सी का क्षेत्रफल निकालो, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, 3 से इस तरफ गुणा करेंगे और 4 से यहाँ गुणा करेंगे तब ये बराबर होगा। तो ए डी अपॉन डी एम का वैल्यू होगा 8/12, और डी एम अपॉन एम बी का वैल्यू होगा 12/15। अब आप सारे वैल्यूज अलग से लिख रहे हो यहाँ पे, सबसे पहले ए डी का वैल्यू देखोगे तो ए डी का वैल्यू है 8, डी एम का वैल्यू है 12, और एम बी का वैल्यू है 15। ये रेशियो में काटा गया है। अब आपसे कह रहा है ए एम एन का क्षेत्रफल 800 है, ए एम एन का क्षेत्रफल है 800। तो अब देखो कि इनके क्षेत्रफल कैसे होंगे, सबसे पहले
ऊपर वाले छोटे ट्राइंगल का, 8 का स्क्वायर 64, सबसे पहले होगा ये 64 यूनिट, फिर 8 और 12 ऐड होगा और होगा 20, 20 का 400, मतलब 400 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 800 को, तो एक यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 2। तो आपसे पूछ रहा है MNCB, ये सबसे नीचे वाले चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो 20 और 15 होगा 35, 35 का स्क्वायर देखते हैं कितना होगा, 35 × 35 ये हो जाएगा 1225। 1225 में से पूरा एरिया है 1225 में से, अगर 400 माइनस करेंगे अगर, तो बचे हुए का रेशियो निकलेगा, -400 कर देंगे यहाँ पे, तो हमारे पास आ जाएगा 825 है इसका यूनिट, एक यूनिट का वैल्यू 2 है तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, तो आंसर हो जाएगा 1650, और ये होगा आपका फाइनल आंसर यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन था, बाकी और कुछ नहीं था, बाकी सारी चीज़ें तो सेम है जैसी हम अभी तक करते हुए चले आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला, फिर से सेम क्वेश्चन है, कोई चेंज नहीं है, इसलिए मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ इस क्वेश्चन को। पहले रेशियो ठीक से मिलाओ और फिर DCEB का क्षेत्रफल दे रखा है, अगला आंसर आप बता सकते हो। 40 और 41 दोनों सेम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 42 देखते हैं हम, ये थोड़ा सा चेंज है। किसी त्रिभुज ABC में भुजा BC पर D बिंदु स्थित है, किसी ट्रायंगल ABC में भुजा BC पर बिंदु D स्थित है। ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा नया लॉजिक है। त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल दे रखा है 80, BD और DC की लंबाई है 4 और 5, तो आपसे पूछा ABC का क्षेत्रफल बताओ। देखो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी काम कर रहा है कि अगर कभी भी ट्रायंगल का बेस जिस अनुपात में विभाजित होता है उसका क्षेत्रफल भी उसी अनुपात में विभाजित होता है। किसी ट्रायंगल का बेस जिस अनुपात में विभाजित होता है ऊपर का क्षेत्रफल भी उसी अनुपात में विभाजित होता है, अगर वो आपस में समरूप या सिमिलर नहीं है, तो ये दोनों आपस में सिमिलर नहीं है अभी, तो आप डायरेक्ट कह सकते हो कि ये 4 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा होगा और ये दिखा रहा होगा 5 यूनिट। तो अगर 4 यूनिट दिखा रहा है 80 को, तो एक यूनिट का वैल्यू हो जाएगा कितना, 20, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100, तो हम कह देंगे ये जो है क्षेत्रफल ये होगा 100, और आप कह सकते हो पूरे ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल हो जाएगा 180। ठीक है ना, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन है, अभी एक एक करके हम सॉल्व करते हुए चलेंगे, पर याद रखो कि यहाँ पे जो BD और DC है ये एरिया ऑफ ABD और एरिया ऑफ ADC को सेम अनुपात में लेके जा रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे बिल्कुल सेम उसी लॉजिक पर है। ट्रायंगल ABC BC पर कोई बिंदु D है, ABD और ADC का क्षेत्रफल 60 और 75 है, तो BD और DC का अनुपात, तो 7 और 75 का रेशियो कितना, 15 से कट रहे हैं ये 4 बार और ये 5 बार, हम कह देंगे 4:5, ये है BD और DC का आपस में रेशियो 4:5। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो बिल्कुल सेम है, BD दे रखा है 6, DE दे रखा है 5 और EC दे रखा है 7, और फिर एक एरिया दे दिया है 40। आपसे पूछ रहा है ABC बड़े ट्राइंगल का एरिया बता दो, तो भाई 5 यूनिट दिखा रहा है 40 को, तो एक यूनिट का वैल्यू 8, तो 6 यूनिट का वैल्यू 48 और 7 यूनिट का वैल्यू 56, सब आपस में जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 4 × 4 = 120, 144 के आसपास। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। ट्रायंगल ABC का केंद्रक है G, केंद्रक हम जानते हैं माध्यिका जो होती है
उससे 2:1 में होता है। और फिर कह रहा है यदि ई ए डी का मध्य बिंदु है, ई जो है वो पूरी लाइन ए डी का मध्य बिंदु है, तब बी ई जी और ए बी सी का क्षेत्रफल का अनुपात। देखो ये पूरी लाइन अगर 6 सेंटीमीटर की है तो आप कह सकते हो ऊपर वाला होगा 3, ये होगा 1 और ये होगा 2, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे ए जी अपॉन जी डी का जो रेशियो होता है वो 2:1 होता है, और ए ई और ई जी का जो रेशियो होता है वो 3:1 होता है। ये मैंने आपको सेंटर ऑफ ट्राइंगल में बताया होगा। तो अब आपसे पूछ क्या रहा है, बी ई जी और ए बी सी का रेशियो कितना। तो आपको समझना है अभी कि हम इस ट्राइंगल की बात कर लेते हैं नीचे वाले की। बी ई डी, बी ई डी की बात कर रहे हैं, बीच में जी है और ये 1:2 में इसको पूरी तरह तोड़ रहा है। अगर ये 1:2 में तोड़ रहा है तो आप कह सकते हो ऐसा कि ये होगा 1 यूनिट और ये होगा पूरा 2 यूनिट। अगर ये 1 यूनिट है और ये है 2 यूनिट तो ये पूरा होगा 3 यूनिट, और टोटल ये कितना यूनिट हो गया, 6 यूनिट। तो इस तरफ भी टोटल होगा 6 यूनिट, मतलब पूरा ट्राइंगल ए बी सी जो है वो होगा 12 यूनिट। हम कह सकते हैं बी ई जी होगा 1 यूनिट और ए बी सी होगा 12 यूनिट। इनके क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा 1:12। यहाँ पे सिमिलैरिटी का यूज़ कहीं नहीं है, केंद्रक और माध्यिका का यूज़ है, और फिर वो जो बेस किसी भी ट्राइंगल का बेस को विभाजित करते हैं तो उसी अनुपात में उसका क्षेत्रफल विभाजित हो जाएगा, इसके बारे में बात की गई है। तो आंसर होगा फाइनल 1:12। आज की क्लास यहाँ ख़त्म करते हैं। कल के लिए हमारे पास फिर से 20 क्वेश्चन हैं जिनको हम कल सॉल्व कर रहे होंगे, और कल सिमिलैरिटी को पूरी तरह ख़त्म कर देंगे। उसके बाद फिर हम सेंटर ऑफ ट्राइंगल्स की सीट पर चलेंगे और उसको भी धीमे धीमे ख़त्म करते हुए आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, कल की क्लास में मिलते हैं।